हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आपके सभी के अच्छे होंगे। आज हमारे सामने यहाँ पे है होंडा की SP125। ये है 2024 में जो हमारी होंडा SP125 आ रही है, ये गाड़ी है। इसको हम लोग आज कवर करेंगे, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, और प्राइसिंग कितना है इसका लखनऊ में ऑन रोड और एक शोरूम, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव ब्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये खड़ी है हमारे सामने होंडा की SP125 और ये है डायरेक्ट कंपटीशन हमारी जो है TVS रेडर के। अब रेडर की जगह क्यों इसको लेना चाहिए, उससे पहले हम आपको बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिलती है हमको होंडा की चाबी, नॉर्मल टिपिकल टाइप में हमको होंडा की चाबी मिलती है और उस पर जो हमको होंडा की लोगो मिलती है। अब ये रेडर से क्यों लेना चाहिए, एक मोटा मोटा मैं बात बताऊँ। इसमें अगर आप लोग तीन लोग भी बैठोगे ना तो गाड़ी आपकी जो है स्टेबल रहने वाली है। दूसरी बात, होंडा के रिलायबल इंजन काफ़ी बढ़िया मिलता है। तीसरी बात ये कि इसका जो है रेडर से प्राइस भी कम है। फिलहाल इस समय जो है देख सकते हो ये रेड कलर में है, और सामने से अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई लाइट्स मिल जाती हैं, LED लाइट्स। तो सामने जो है काफ़ी अच्छा इसका लुक लगता है, फेस का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर दे के रखा हुआ है, और इस साइड जो है आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दे के रखा हुआ है, और आगे आपको जो है निसिन के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको टायर प्रोफाइल जो है 1800x18 इंच की मिलती है, यानी 80 और 100 सेक्शन का जो हमको टायर मिल रहा है, और 18 इंच के हमको अलॉयज मिलते हैं। डिस्क ब्रेक के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ हमें जो है 240 mm की जो है डिस्क ब्रेक मिल जाती है। गाड़ी हमारी लोहा लाट है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। एक बार ग्राफिक्स पर नज़र डालेंगे यहाँ पर तो ये देख सकते हो रेड कलर की ग्रे कलर के जो हमको इसमें स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है ग्राफिक्स में, और सामने से देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो हमारी इसकी साइड प्रोफाइल लगती है। और यहाँ पे हमको साइड कवर पे भी जो है SP125 की बैचिंग मिल जाती है। बाकी होंडा ने जो है अपने इन्हांस स्मार्ट पावर का जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। इंजन की तरफ हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके पीछे टायर प्रोफाइल के बारे में बताना चाहेंगे। तो पीछे वाले टायर प्रोफाइल जो आपको मिलती है वो 180x18 इंच की मिलती है। 100 सेक्शन का पीछे आपको टायर मिलता है। टायर मेरे हिसाब से इसको जो हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि 100 सेक्शन का टायर आपको जो है NS125 में भी मिलता है, तो यहाँ पे इसके लिए नहीं। पकड़ काफ़ी बढ़िया है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे हमें 18 इंच के जो है इसमें अलॉयज मिलते हैं। पीछे बात करें ब्रेक्स के मामले में तो पीछे हमें जो है कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, पीछे हमें जो है सिर्फ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं जो कि हमारे 130 mm के ड्रम ब्रेक्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली हमको जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट निकाला गया हुआ है साइलेंसर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके ऊपर से जो है यहाँ पे देख सकते हो हमको जो है एल्यूमिनियम की जो है शीट भी इस्तेमाल करी गई है। अब एग्जॉस्ट के मामले में बताऊँ तो यहाँ पे जो है कुछ समय बाद जो है एग्जॉस्ट का जो है सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि सबसे जल्दी जो है एग्जॉस्ट ही पता चलेगा। लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस की इतना मैं बात कर रहा हूँ तो इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे हमें मिलता है होंडा का इंजन, जो कि 123.94 cc का इंजन मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक, और पावर ये प्रोड्यूस करता है आपका गाइस 10.87 PS की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अब हम बात करें यार इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो भाई 160 mm का हमको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सीट हाइट जो है हमको 790 mm की सीट हाइट मिलती है। व्हील बेस के बारे में बात करें तो 1285 mm का हमको जो है व्हील बेस भी मिल जाता है। गाड़ी में हमें जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ मिलती है, काफ़ी बढ़िया जो है इसमें क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि आप साइड कॉल्स में देख रहे हो हर जगह स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया है। पीछे वाले अगर हम सस्पेंशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो हमको पीछे हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, और इस गाड़ी में हमें किक भी मिलती है। तो आपको जो है चिंता नहीं करना, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप जो है किक से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे देख सकते हो SP को एक हिसाब से देखा जाए तो SP की ही जो यहाँ पे ग्राफिक्स डिटेल करी गई है, लेकिन काफ़ी बढ़िया लगता है ये ग्राफिक्स हमारा। और यहाँ पे हमें मिल जाता है जो होंडा का 3D में लोगो, होंडा का 3D में लोगो मिल रहा है। होंडा जो है नॉर्मल इसमें लिखा नहीं है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। टैंक के बारे में बात करें तो टैंक में जो हमको 11.2 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज भी इसका काफ़ी बढ़िया मिलता है, जिसके कारण आप जो है रेडर को चौथा पॉइंट हो सकता है, जिससे कि आप रेडर ना लेने की जगह आप SP ले सकते हो। प्राइसिंग भी जो हम इसको बताएंगे उससे पहले हम अगर हम इसके फीचर सेक्शन में बताएं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है भाई ग्रैब हैंडल्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो हमको ग्रैब हैंडल्स काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। साथ में जो है हमको यहाँ पर मिलती है भाई पीछे बल्ब वाली जो हमको इसमें लाइट्स मिलती हैं, इसमें जो LED लाइट्स नहीं मिलती है। अंदर देख सकते हो आपको बल्ब दिख रहा होगा, इंडिकेटर जो हमको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो होंडा की बैचिंग भी लगी हुई है। टेल टाइडी काफ़ी बढ़िया है टायर में, क्योंकि टायर हगर तो मिलता नहीं है, टेल टाइडी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और इस साइड जो हमको लाइट मिलती है नंबर प्लेट पर लाइट शो होने के लिए। साइड प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, जो कि लेफ्ट प्रोफाइल है हमारी, तो लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें इसमें हमको जो है साड़ी स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड भी मिलता है, और इसमें जो है एक चीज़ और हमको फ़ायदा है, क्योंकि इसमें जो हमको फुल चैन कवर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमको फुल चैन कवर मिल जाता है, और बाकी गाड़ियों में जो है सिंगल चैन कवर है, जैसे मैंने बहुत सारी गाड़ियों की वीडियो कवर करी हुई तो उसमें सिंगल चैन कवर मिलता है, लेकिन इसमें जो है हमको फुल चैन कवर मिल जाता है, ये प्लस पॉइंट है। हमको इसमें जो है सिंगल स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड मिलता है, और इसके अगर हम फुटपैक्स की क्वालिटी के बारे में बात करें
कहीं ना कहीं जो है फुटपैक्स की क्वालिटी के बारे में, पीछे वाला फुटपैक है, मैं कहना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज़ करी जा सकती थी, होंडा और अच्छा इंक्रीज़ कर सकता था। गियर्स के मामले में अगर हम बात करें तो इसमें जो हमको गाड़ी में 5 गियर मिल जाते हैं। हाँ, गियर के मामले में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसके गियर जो है कभी कभी जो है थोड़ा से लैग हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा से फंसने लगते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती हैं। बाकी हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको जो है कार्बन फाइबर की फिनिश पूरी बनाई गई है और काफ़ी अच्छा इसका जो है टैंक आउट लगता है। आगे से इंडिकेटर्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऑन करके। सो ये देखो, आगे से जो है भाई आपको जो इंडिकेटर्स कुछ इस प्रकार से लगते हैं। ये हमारे जो है बल्ब इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में जो इनको जो है एलईडी इंडिकेटर्स दे देना चाहिए था, और सामने की जो एलईडी लाइट्स है वो इस टाइप में लगती हैं। अंदर जो है हमको एलईडी की जो है इसमें पैचिंग मिल जाती है, जो कि अंदर लिखा हुआ है। फिलहाल अभी जो है ये लो बीम है, हाई बीम भी हम ऑन करते हैं। सो ये देख सकते हो, लो बीम के साथ साथ जो है हाई बीम भी हमारी ऑन हो चुकी है और काफ़ी बढ़िया इसका थ्रो है। एलईडी है तो काफ़ी अच्छा लंबा थ्रो जाने वाला है। हालांकि आपको पता है कि मेरी गाड़ी में भी जो है एलईडी लाइट्स नहीं है, तो ये जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है डिसअपॉइंट करती है। बाकी यहाँ पे हमें होंडा की बैचिंग मिल जाती है, वाइज़र काफ़ी बढ़िया है। बात करते हैं यार इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, उससे पहले हम आपको जो है इसका हैंडल्स बता देते हैं। इसमें देखो हमको सिंगल लोड हैंडल मिल जाता है, जो कि हमको यहाँ पे होंडा की बैचिंग मिलती है यहाँ पे, और सिंगल लोड हैंडल है काफ़ी बढ़िया। साथ में जो है देख सकते हो कि इसमें जो है ग्लॉस कलर का ही जो है सिंगल लोड हैंडल का इस्तेमाल करा गया हुआ है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको यहाँ पे मिलता है भाई इंडिकेटर का बटन मिल जाता है, लो बीम हाई बीम करने के लिए स्पेसिफिक बटन मिलता है, और क्लच काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ मिलता है आपको हॉर्न साउंड भी अभी सुनाएंगे आपको। उससे पहले राइट हैंड साइड में हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड में किल स्विच बटन मिलता है, जो कि आपकी गाड़ी को आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहीं से। राइट हैंड साइड में सिर्फ एक सिंगल किल स्विच बटन ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसके बात करें इसके मिरर्स की क्वालिटी के बारे में, तो मिरर्स की क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डिसेंट सी है। आप चाहो तो इसको चेंज भी करा सकते हो, लेकिन बैठने के बाद इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। अब मैं आपको इसका हॉर्न साउंड सुनाता हूँ। हॉर्न साउंड के बारे में जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो है डिसेंट सा हॉर्न साउंड है, तो वो लाउड नहीं है, वो जो क्रिस्पीनेस है ना वो नहीं पता चलता है, पर ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी में जो है हॉर्न साउंड बस उन्होंने दे दिया है। ये सब चीज़ें जो है होंडा को देखनी चाहिए। बाकी हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो ये देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो है कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मीटर मिलता है, सारी वार्निंग लाइट्स आपको ऊपर मिल जाती है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, आपकी ट्रिप कितनी चली है स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, टाइम मिलता है। बाकी आप जो यहाँ से देख सकते हो गाड़ी आपकी कितनी माइलेज दे रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी और क्या माइलेज दे रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखा देगा ये आपको गाइस, ये सब चीज़ें जो है आपको बताएगा। साथ में इसमें जो है एक रियल टाइम एवरेज भी जो बता देता है। बाकी इसमें जो हमको साइड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, जो कि जिसके जो है लाइट्स यहाँ पे जल रही हैं आप लोग देख सकते हो। सो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। भाई उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो बता दी थी, अब इसका माइलेज कितना है, क्योंकि रेडर से देखो माइलेज उसका कम है, रेडर का बताने वाला तो माइलेज यार देखो 50 से 55 ही आने वाला है, पर कंपनी इसको 66 क्लेम करती है, 60 से 62 माइलेज जो है ये बहुत आराम से दे देगी। और बस जैसे मैंने इसके, ऐसा नहीं कि मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, मैंने इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए, जैसे कि इसका गियर कहीं ना कहीं जो है वो फंस जाता है हमारा, इसमें यूएसबी चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए थी। और इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर अब हम बात करें, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग जो है 90,293 रुपये है, और अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी तो आप इनविजन होंडा जानकीपुरम पे आ सकते हो, सेक्टर 8, आपको जो है स्क्रीन पे सारे नंबर्स आ रहे होंगे। बात कर लेते हैं लखनऊ में इसकी ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है, तो भाई लखनऊ में इसकी ऑन रोड प्राइसिंग जो हमारी है 1,07,100 रुपये है। आप लोग 1,07,100 रुपये में ये गाड़ी अपनी बना सकते हो। सो गाइस, और कौन सी वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी इसकी रील्स और हिडन फीचर्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, स्वप्निल ऑटो मोटो। और कौन सी वीडियो भी चाहिए आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।